नमस्कार फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनसे जो अमाउंट रिसीव होता है वो वन ऑफ माय क्लाइंट हु हैज रिसीव्ड अप्रोक्स 12 लैक्स बिकॉज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। उसका कहना था कि 55 के बाद में अमाउंट जो रिसीव्ड होगा उससे काफी फाइनेंशियल मदद मिलेगी। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर हमारे दिमाग में चल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हम लेते हैं तो सारा अमाउंट जो रिसीव्ड होता है एग्जेम्प्ट होता है। नॉर्मली आप देखते हैं सेक्शन है 10, 10D, उसमें ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक पॉलिसी जो आप अमाउंट रिसीव करते हैं एग्जेम्प्ट है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ में कि क्या चेंजेस हुए 2021 में, भी चेंजेस हुए कि अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है सब पॉलिसी का मिला के भी, तो क्या अमाउंट जो रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा। आप समझिए, अगर किसी को 12 लाख एनुअली आ रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी आप का इम्पेक्ट जबरदस्त आएगा, क्योंकि फिर टैक्स का इम्पैक्ट होने के बाद फिर आपको अमाउंट इन हैंड बचेगा। तो ये जरूरी है फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझा जाए और ये समझा जाए कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप सबसे पहले ये जरूरी है आप अपने जो इंश्योरेंस एजेंट है उनसे ये समझे और बात करें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में भी और अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनके बारे में भी। तो हम समझते हैं वन बाय वन। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में भी शेयर करूंगा कि ये किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल नीड को इम्पैक्ट करेगा। आप समझिएगा, सबसे पहले मैं पहुंचता हूं स्क्रीन शेयरिंग के साथ में। व्हाइट बोर्ड मैं शेयर करता हूं और शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम समझते हैं इन स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी अमाउंट जो आपको मिलता है उसके लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होंगे। पहला वाला है, आप समझिएगा, पहला है सेक्शन जो 1080DD3 है और 3A है, 80D जो बताया गया है सब सेक्शन 3, ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक्चुअली ये एक डिपेंडेंट जो बंदा है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोई लमसम अमाउंट सीबीडीटी के अकॉर्डिंग पे करते हैं और एन्यूटी के समय ये अमाउंट मिलता है। एन्यूटी एक्चुअली क्या होता है कि ये एन्यूटी प्लान होता है कि इन केस अगर जो जिस बंदे ने पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो एन्यूटी प्लान में पैसे डाले हैं उसकी डेथ हो जाती है, सपोज करो ये डिपेंडेंट है ए और इसकी डेथ हो मतलब इसको स्पॉन्सर किया इसके ही किसी पर्टिकुलर नोन ने बी ने, और इसने एक प्लान लिया कि भाई हम मैं एनुअली इतना प्लान पैसा डालूंगा और अब ये इन केस अगर इसकी डेथ हो जाती है बी की तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडेंट जो है डिसेबिलिटी से भी हो सकता है ये एन्यूटी इसको कुछ पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं? अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर बी से पहले ए की डेथ हो जाए जो डिपेंडेंट है जिसको एन्यूटी के रूप में पैसा मिलेगा तो बी को मिलने वाला एन्यूटी इन द सेंस जो लाइफ इंश्योरेंस या उसके एन्यूटी प्लान है सालाना कुछ ना कुछ मिलेगा तो बी को ये जो पैसा मिलेगा ये टैक्सेबल रहेगा। आप समझिएगा, राइट? उसी तरीके से आप इन चीजों को समझिएगा। दूसरा आता है कि ऐसा और कौन सी है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी कई बार क्या होता है किसी बिजनेस के लिए कोई कंपनी है जैसे मेरे क्लाइंट रहते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कोई ऐसा क्रिटिकल बंदा है कि जिसका होना ही बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज देता है तो उसकी लाइफ सिक्योर की जाती है कि इन केस एनी मिस हैपनिंग किसको पैसा मिलेगा वो बात की बात है, इसके थ्रू जो पैसा मिलेगा मिलने वाले को टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। तो आप समझिएगा कि मेन इंश्योरेंस पॉलिसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कवर होती है। और एक और बात कही गई,
अब बात क्या है, बात यह है कि अगर दो चीजें ध्यान रखिएगा, 1 4 2003 टू 31 3 12, इस दौरान अगर आपने प्रीमियम पे किया है और कोई भी ईयर में जितना सम एश्योर्ड है उसके 20% से ज्यादा एक्सीड हो गया वो प्रीमियम, लेट्स अज्यूम आपने 20 लैक्स या और इजी समझने के लिए 10 लैक्स का सम एश्योर्ड किया, इन केस ऑफ किसी के मिस हैपनिंग में 10 लैक्स रुपीज मिलेंगे, अगर प्रीमियम 10 लैक्स है, किसी भी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पॉलिसी प्रीमियम जमा कराया जाता है, अगर 10 लैक्स का है एक्सीड होता है 20% से, यानी अगर ये 2 लाख, 2 लाख का 20% होगा, 2 लाख 5 रुपए भी हो जाता है और प्रीमियम आपने किसी ईयर में दिया, तो जो भी मेच्योरिटी से पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा। माइंड इट, आपको समझ में आया होगा। अगर ये ही पॉलिसी अगर 1/4 या ऑनवर्ड्स 12 के ऑनवर्ड्स ली गई है, तो ये जो परसेंटेज है ये रिड्यूस करके 10% कर दिया गया, यानी अगर यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर था तो ये परसेंटेज यहाँ पे तो कितना था, एक्सीड 20%, ये एक्सीड होगा 10%। यही अब अगर 12 के बाद में आपने पॉलिसी ली है, तो अगर प्रीमियम किसी भी ईयर 1 लाख से ज्यादा होता है, लेट्स अज्यूम 1 लाख 5 रुपए, तो जो मेच्योरिटी से पैसा मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, इसकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे 10% हो गया 1/4 2012 के बाद में सॉरी। तो ये एक कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं आगे, आगे की क्या प्रोविजन बोलते हैं कि जो हमारा, और क्या इसके अलावा भी टैक्सेबिलिटी आती है, बिल्कुल आती है, हम कवर करते हैं इन सब चीजों को। विल स्टॉप, वेट फॉर अ वाइल। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या और कोई सिचुएशन भी, अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं और इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो क्या वो भी सिचुएशन हमारे लिए क्रिटिकल रहेगी? यस, बिल्कुल रहेगी। समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं अगेन। तो अब देखो, यूनिट जो आप यूलिप के जो प्लान लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है उसमें, एक इंश्योरेंस कंपोनेंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है, कुछ जो आप प्रीमियम पे करते हैं कुछ इंश्योरेंस कवर कर लिया जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केट में पैसा लगाया जाता है आपके लिए। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमने 10% का जो हमने बात की, वहां अगर कोई बंदा जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी डिफाइंड है उससे, उसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ये जो 10% 1/4 2012 वाला जो मैंने बताया, ये 15% भी किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप एटीसी में डिडक्शन तो ले ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसका एटीसी के अंदर आप डिडक्शन ले लेंगे। अब बात आती है, आप समझिएगा, ये 2.5 लाख वाला इंपोर्टेंट प्रोविजन क्या है क्या? पहले ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी, बट अब कोई भी पॉलिसी जो 1 फरवरी 2021 के बाद में इश्यू होती है, मान के चलिएगा एनी प्रीमियम अमाउंट जो है पेबल है यूलिप पे, आप मान के चल गया पेबल, अगर मतलब आपका ड्यू हो गया पेबल है तो भी काउंट होगा, पेड के ये जरूरी नहीं है, यानी 1/4/1/2/2021 के बाद में, और उसका प्रीमियम जो पेबल है एक्सीड करता है 2,50,000, प्रीमियम एक्सीड 2,50,000, लेट्स अज्यूम 10 इयर्स का टेन्योर है पॉलिसी का, और किसी भी ईयर एनी ईयर
ये प्रीमियम एक्सीड हुआ, मान अज्यूम कि किसी भी ईयर ये 250 से एक्सीड हुआ, एनी ईयर 250001, देन क्या होगा? एट द टाइम आप जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, राइट? टैक्सेबिलिटी बताऊंगा, टैक्स कैसे लगेगा, बात ये तो ठीक है। सर मेरे पास तो पॉलिसी एक से ज्यादा है, हम आते हैं समझते हैं, लेट्स अज्यूम 1 2 3, 1 2 3 पॉलिसी है, एक का 1 लाख प्रीमियम है, एक का 75,000 प्रीमियम है, अनुदर 1 लाख प्रीमियम है। और समझने के लिए हम समझते हैं इसका 50,000 है, 75 ही के लेते हैं क्योंकि ज्यादा होना चाहिए। वन लैख 50,000, 1 लाख वापस से 75, 1.50 लैक्स में है सब। तीन पॉलिसी करवाई, अमाउंट रिसीव होगा इनका, किसी भी साल प्रीमियम अगर एक्सीड होता है, एग्रीगेट देखेंगे हम, अब साल भर में मेरा कितना जा रहा है आप समझिएगा, 3.25। अगर इस केस ऐसा होता है, एग्रीगेट देखा जाएगा, एग्जम्पशन अप टू केवल 2,50,000 तक ही रहेगी। एग्जम्पशन इन द सेंस उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप कोई भी पॉलिसी तो उठा सकते हैं जिनकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने उठा लिया, मान लीजिए ये दो कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई आप तो यही उठाने वाले हैं, 251 प्लस 1.5, यहाँ पे अमाउंट जो रिसीव होगा नो टैक्सेबिलिटी, बट यहाँ पे जो इसका मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। समझ रहे हैं? तो ये एक और इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है टैक्स लगेगा कैसे, जो अब 75 है इस पे टैक्स कैसे लगेगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि इस पे टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। तो टैक्सेबिलिटी आप समझिएगा, अब सिंस टैक्सेबल होना है तो आइदर आप समझिएगा, दो सेक्शन है क्योंकि ये मार्केट बेस्ड है, तो दो सेक्शन हमारे पास आते हैं, 111A और 112A। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो उनका उनके अकॉर्डिंग ही फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो अब फुल्ली टैक्सेबल के लिए हमें क्या करना है आप समझिएगा, अगर कैपिटल असेट माना जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यूनिट जो होगी वो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट मानी जाएगी, तभी ये आएगा। पहले कैपिटल असेट होगा एंड देन यूनिट लिंक, जो हमारा बोलते हैं इक्विटी, जो यूनिट लिंक प्लान है तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा। इन पे दोनों सेक्शन ये लगते हैं, राइट? तो अगर शॉर्ट टर्म है आप समझिएगा, तो टैक्सेबिलिटी आएगी शॉर्ट टर्म। अगर आप देखते हो तो शॉर्ट टर्म पे टैक्स जो डिफाइन है वो है 15%, अगर कोई सरचार्ज है, अगर हम बात करें इस पे शॉर्ट टर्म के लिए 15% सरचार्ज प्लस सेस, तो दोनों पे है अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो इस पे 10% आप समझ सकते हैं। जो 112A में 1 लाख की लिमिट भी डिफाइन है, 1 लाख तक कोई टैक्सेबल नहीं लगता, शॉर्ट टर्म पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलने वाला, राइट? यहां कवर हुआ। अब बात आती है टीडीएस भी क्या कटेगा क्या? बिल्कुल टीडीएस कटेगा। टीडीएस का जो है वो सेक्शन 194DA, 194DA, जो भी अमाउंट आपको कंपनीज पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, वो 1% टीडीएस कटेगा, राइट? 1 लाख के ऊपर अगर जाता है तो पूरे पे ही कटेगा, राइट? तो इस तरीके से ये टीडीएस की लिमिट डिफाइन है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम ये टैक्सेबिलिटी हमने समझा, और जरूरी ये भी है कि इन सब चीजों को हम कवर कर पाए, समझे टैक्स इंपैक्ट समझे। तो अगर हम इनका इंपैक्ट नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट, आई विल बी देयर। और डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा, लेटेस्ट अपडेट में किसी भी वीडियो में जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें डालता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।